अच्छा बेटा मैं चलता हूँ, ध्यान रखना। अल्लाह हाफिज़ अबू। अल्लाह हाफिज़। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मैं बस निकल रहा हूँ मिस सरीन, आपको पिक कर लूँगा और रास्ते में आज का इवेंट भी डिस्कस कर लेंगे। जी सर, मैं बिल्कुल रेडी हूँ, आप आ जाइए। सी यू इन अ बिट। हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। नाश्ता? तुमने क्यों जहमत की, मैं और लाइबा बना लेते खुद ही। तुमने वैसे भी काम पर जाना होगा। जहमत की क्या बात है, मुझे आदत है इन कामों की। आप और लाइबा आदि नहीं है। हरीम, तुम फिक्र मत करना, फायज जैसे ही आएगा मैं और लाइबा यहां से चले जाएंगे। मैंने आपसे कोई शिकायत नहीं की है, ना कोई वजाहत मांगी है। आप लोग अपनी आसानी और सहूलियत देखकर जब तक यहाँ रहना चाहें रह सकते हैं। नाश्ता कर लीजिए, ठंडा हो जाएगा। जी मिर्जा साहब, क्या बात है? क्या, कहां पर, कैसे? नहीं मुझे बताएं कौन से हॉस्पिटल में लेकर गए हैं, मुझे आने में पहुंच रही हूं, जल्दी बताइए मुझे। ठीक है, लाइबा तुम्हारे डैडी को हार्ट अटैक हुआ है, जेल वाले को हॉस्पिटल ले गए इमरजेंसी में। आप परेशान ना हो, अल्लाह ताला सब बेहतर करेंगे। हमें हॉस्पिटल जाना है, हमें फॉरन हॉस्पिटल जाना है। मुदस्सिर सर बस आने वाले होंगे, मैं उनसे कह दूंगी कि आप लोगों को हॉस्पिटल ड्रॉप कर दें। भाभी आप इस वक्त हमें तन्हा मत छोड़िएगा, हमें मुखलिस और नेक लोगों की बहुत सख्त जरूरत है। हमें इस वक्त आपके साथ और आपकी दुआओं की जरूरत है, प्लीज आप भी हमारे साथ चलिए। दुआएं की थी कि आपसे मुलाकात की इजाजत मिल जाए। ये नहीं सोचा था कि इस मुलाकात के लिए आपको जान पर खेलना पड़ेगा। क्या हो गया फुरकान, हम आसमान से जमीन पर आ गिरे। रायान का नाम मत ले उसका,
ऐसा मुंह फेर कर गया है कि मुड़कर देखा भी नहीं। पर उसकी बीवी और उसके घर वालों ने जो किया है ना, जवाब देंगे वो भी उसको। ओह, वाइस नहीं आया। इसका कुछ पता नहीं। आज 5 दिन हो गए हैं, उसका फोन भी बंद जा रहा है। इंटरव्यू के लिए सांभा गए थे, फिर कोई बात ही नहीं हो। मैं तो बस ये दुआ कर रही हूं कि सब खैर हो। देखिए जी, मुलाकात का वक्त खत्म हो गया, आप लोग जा सकते हैं। मैं नहीं जाऊंगी, इनकी तबीयत ठीक नहीं है, मैं इनको साल में छोड़कर नहीं जा सकती। इस चीज का ऑर्डर हमें नहीं है, बाहर निकलो। तुम इनसे बात करो, सुना नहीं मैंने क्या कहा है? मैं इनको छोड़कर नहीं जाऊंगी। मम्मी प्लीज कंट्रोल योरसेल्फ, प्लीज। कैकशा बेगम, बहस फजूल है, घर जाओ, जाओ, शाबाश, मैं ठीक हूँ। मिसेस शेख, यहाँ शोर करने से कुछ हासिल नहीं होगा। मैं कोशिश करता हूँ कि जमानत पर इन्हें रिहाई मिल जाए, और इनकी कंडीशन देखकर होपफुली मिल जाएगी। आप चलें। चलें।